एक वैज्ञानिक हैं, उनके प्रयोग के बारे में हम जानेंगे, जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक प्रयोग करके आदतें डालने की चीज़ें सीखी। उसके साथ ही हम जानेंगे आदतें डालने का पूरा जो गणित है वो कैसे काम करता है। पिछले अध्यायों के बाद इस नए अध्याय पर आए हैं और इस अध्याय से हम जानेंगे कि कैसे आदतें डलती हैं। तो इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है उस अध्याय की बातें मैं आपको बताता हूँ। पुस्तक में सबसे पहले बताया गया है कि आदत कैसे बनती है, इस बात को हम आगे लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आदत का जो एक गणित है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो किताब है उसका ये अध्याय बड़ा ही जटिल है, क्योंकि इसमें घुमा फिरा कर वही बातें की गई हैं। तो बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ कि इस अध्याय में अपने वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आदतों का गणित का अनुमान लगाया है, जिसमें बताया है कि वो किसी पजल में एक पजल टाइप का क्रिएट करके उसमें कुछ बिल्लियों को सेट कर देते हैं। उस पजल के अंदर एक लीवर लगा देते हैं जिसको क्लिक करते से ही बिल्लियां बाहर निकलेंगी। जब शुरुआत में 10 बिल्लियां उन्होंने डाली तो बिल्लियों को पता नहीं था कैसे उससे बाहर निकलना है। तो बिल्लियां पहले तो पजल में घूमती फिरती रहती हैं, काफ़ी परेशान होती हैं, लेकिन उन्हें ये बजल नज़र आता है, अपना ये लीवर नज़र आता है और उसको वो दबाती हैं तो उससे एक बिल्ली बाहर निकल जाती है। एक बिल्ली के बाहर निकलते से ही बाकी जो बिल्लियां हैं तो उनके लिए संकेत मिलता है और फिर वो सारी की सारी बिल्लियां उस लीवर को दबाकर बाहर निकल आती हैं। वैज्ञानिक जो रहते हैं वो लगातार इस परीक्षण को करते हैं और एक समय ऐसा आता है बिल्लियों बाहर निकलने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो प्रतिदिन उस लीवर को दबाती हैं और बाहर निकल जाती हैं। तो एक महीने बाद जैसे ही बिल्लियों को वो उस पजल में फिर से सेट करते हैं तो बिल्लियां कुछ ही सेकंड में बाहर निकल आती हैं, जबकि इससे पहले एक महीने पहले जब हम देखने में आ रहा था तो बिल्लियां बाहर निकलने में काफ़ी लंबा समय ले रही थी। तो ये उदाहरण देकर लेखक हैं जेम्स क्लियर, वो बताते हैं कि कैसे जब आप किसी काम को बार बार करते हैं चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो उसकी आपको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो काम आप नहीं कर पा रहे या जिस चीज़ के प्रति आपको काम करना है उसको बार बार करते रहें तो वो आपके अभ्यास में आ जाएगा और उसकी आपको आदत डल जाएगी। तो एक जो इस अध्याय से मैं सार निकाल पाया हूँ वो मैंने आपको बताया। इसके साथ ही आदतों का जो गणित है उसके बारे में लेखक ने इस अध्याय में चर्चा की है। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि आदतें चार प्रकार से काम करती हैं। सबसे पहला संकेत, उसके बाद उसकी ललक, उसके बाद उसके प्रति प्रयास और उसके बाद परिणाम यानी कि पुरस्कार। तो यहाँ पे जो बिल्लियों वाला उदाहरण हमारे लेखक ने दिया था उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे बिल्लियों को जब पहले पजल में डाला जाता है तो वो परेशान होती हैं, लेकिन जब उन्हें एक संकेत दिखता है, एक लीवर दिखता है तो वो उसकी तरफ जाती हैं। उसके बाद उसकी ललक उनके अंदर आती है कि यार इससे करेंगे तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले लीवर दिखा तो बिल्लियों को संकेत मिला, उसके बाद उनके अंदर ललक आई कि इससे कुछ हो सकता है, उसके बाद वो प्रतिक्रिया करती हैं तो बिल्लियां लीवर दबाती हैं और उसके बाद लीवर जैसे ही दबाती हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं यानी कि उन्हें पुरस्कार मिल जाता है। यहाँ पर पुरस्कार से मतलब यही है कि जिस चीज़ को वो पाना चाहते हैं व्यक्ति को वो मिल जाए। तो ऐसी इस पुस्तक के अध्याय में बात की गई है और पूरा का पूरा जो घुमा के अगर बात को समझे मोटा मोटी अर्थ यही है कि अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं, किसी चीज़ की आदत डालना चाहते हैं तो उसको हमें बार बार करना होगा, तभी वो हमारे साथ शामिल हो सकती है और हमारी आदतों में शुमार हो सकती है। ये इस अध्याय का सार था। इसके बाद हम आदत डालने के चार नियम पढ़ेंगे। आगे के जो अध्याय हैं उनमें चार नियम बताए गए हैं, उन अध्यायों का नाम ही है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नियम। तो उन अध्यायों को जब हम समझेंगे तो आदतों की एक और आदतें विकसित करने की
और समझ हमारे पास आ जाएगी जो कि हमें आदत डालने में मदद करेगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको सीख दे कर गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपको बता दूं, जेम्स क्लियर नाम की जो लेखक है उनकी ये पुस्तक है एटॉमिक हैबिट, और इसका रिव्यू हम कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट उसी पुस्तक के लिए है। तो अगर आप भी अपनी आदतें विकसित करना चाहते हैं या अपने साथियों को आदतों के बारे में बताना चाहते हैं तो ये वीडियो उन तक भी भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।